नमस्कार, मैं तापोशी। आज मैं बड़ी पस्तू बनाएंगे। बड़ी पस्तू बनाने के लिए हमें बड़ी चाहिए और छोटे टुकड़े में दो आलू ले लिए, छोटे छोटे पीस कर लिए। और पस्तू तो हमें चाहिए, यह है पॉपी सीड। इसमें एक मिर्च डाल के हम इसको पेस्ट बना लिए। यहाँ मेरा 2 चम्मच पॉपी सीड पेस्ट है। और मेथी और सौंफ है 1/2 चम्मच, 2 हरी मिर्च है, सरसों का तेल है और नमक है। सरसों का तेल से पॉपी सीड या पस्तू बहुत बढ़िया बनता है। आप चाहे तो वाइट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने कढ़ाई में बड़ी को थोड़ा भून लेना है। थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे इसमें। और बड़ी को अच्छा से भून लेना है। ये उड़द दाल की बड़ी है। इसको थोड़ा लाल होने तक भूनना है। बड़ी भून गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें तेल डालेंगे। मेथी और सौंफ, मिर्च भी डाल देंगे। अब इसमें आलू डालेंगे। आलू को थोड़ा 3-4 मिनट भूनना है। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसको 2-3 मिनट भूनना है। तीन चार मिनट आलू को थोड़ा भून लिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डाल देंगे। आलू को पकाना है, पानी डाल के इसको ढक देंगे। गैस को सिम कर देंगे ताकि मेरा आलू पक जाए। 5 मिनट बाद हमने इसको खोल कर देखेंगे। आलू नरम हो गया। अब हम इसमें बड़ी डालेंगे। अब 2-3 मिनट के लिए फिर से हम ढक देंगे ताकि बड़ी भी नरम हो जाए। 2-3 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। बड़ी भी नरम हो गया।
अब हम इसमें पस्तू पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। हम इसमें हल्दी पाउडर नहीं डाले, अगर आप चाहे तो हल्दी पाउडर थोड़ा डाल सकते हैं। बड़ी आलू पोस्तू तैयार है, इसको आप भी बनाइए और खाकर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।